लगने के बाद कुआं खो देंगे, सीखने का टाइम हो जाएगा तब घुंघरू ढूंढेंगे। अरे घुंघरू के कोई पंख होते हैं जो अलमारी पर उड़ कर बैठ जाएंगे। चंपा, चंपा मिल गए घुंघरू। ओहो कहाँ रखी है? मेरे घुंघरू मिल गए? मेरे ब्लेड नहीं मिल रहे, तूने देखे हैं कहीं? नहीं, अपनी चीजें संभाल कर रखा करो, समझे? अरे सुरेश सुनता मैंने लोटे में 3 रुपए 40 पैसे रखे थे, तुमने लोटा देखा? ओहो माँ, अपनी चीजें संभाल के रखा करो, समझी? फिर लोटा कहाँ रख दिया मैंने? लोटा मेरे घुंघरू। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हर चीज खोई हुई है इस घर में। गोपी, किसी दिन तुम भी खो जाओगे। खैरियत चाहते हो बच्चू तो चुपचाप खिसक लो। कहाँ जाओगे बच्चू? 5 रुपए काटूंगी, 1 ब्लाउज कम है। आप इसे घर में होगा बीबी जी, मैं तो गिन के लाया हूँ। हमारे घर में कोई चीज खोया नहीं करती, समझे? आज मारे गए गोपी, थानेदार की नई नई बीवी है, उसने किसी और को रख लिया तो अपना वो भी जानस गया। चंपा, घुंघरू मिले कि नहीं? घुंघरू वही पर तो थे, खोजे थे, सारा घर ढूंढ लिया माँ, जाने कहाँ चले गए? मुझे मालूम है कहाँ चले गए। बोलो बच्चों, फिर कहो। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, अपनी लाडली को समझा दो। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, अच्छे चंपा के घुंघरू गायब हैं। मगर हेमा क्यों ले गई उन्हें? तुम्हारे मना करने के बाद बेचारी ने कभी हाथ भी लगाए हैं उन घुंघरुओं को? मुझे मालूम है कितने भोरे हो तुम और तुम्हारी बेचारी बेटी। कह देती हूँ, अगर उसने घुंघरू उठाए होंगे ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हाँ, हेमा, घर में होएंगी तो तभी तो मिलेंगी ना। क्यों कष्ट कर रही हैं? देखिए, अगर घुंघरू नहीं मिलते तो वो गाय के गले में जो घंटियां हैं ना, उनसे भी काम चल जाएगा। ये रहे घुंघरू, हेमा के पास थे। लो, वो 2-3 घंटियां निकल आई थी ना, वो दुकानदार के पास गई थी बनवाने के लिए। देखो ना, लोग यूं ही बातें करते हैं कि सौतेली बहनें एक दूसरे से जलती हैं। हमारी हेमा को देखो, कितना प्यार करती है अपनी छोटी बहन से। तू बोझा उठाए क्यों खड़ी है, जा अंदर रख दे, जा। ठहर वहीं। तू क्या समझती इन किस्से कहानियों से बहल जाऊंगी मैं? बोल, क्यों ले गई थी घुंघरू? बोलती क्यों नहीं? सावित्री, वो बेचारी क्या बोल सकती है? अरे हाँ, गूंगी है बेचारी, बहरी तो नहीं। कान खोलकर सुनने छोकरी, फिर से घुंघरू को हाथ लगाओ तो टोंगे कोट को चूल्हे में फेंक दूंगी। सावित्री, धमकी नहीं दे रही हूँ, जो कह रही हूँ करके दिखाऊंगी। और ये मुँह क्या देख रही है? गोबर कंडे क्या तेरी माँ स्वर्ग से आकर करेगी? चल। पाए लगी मास्टर जी। कितनी मेहनत से सिखाते हो तुम मेरी बेटियों को गोपी, और एक मैं हूँ जो महीने के महीने 4 पैसे भी नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं मास्टर जी, हम कोई पैसों के लिए यहाँ आते हैं? अरे आपको गुरु माना है इसलिए आते हैं गोपी। हाँ मास्टर जी, कहना तो नहीं चाहते थे हम कभी। बचपन में एक बार स्टेज पर देखा था आपको कलकत्ते में, ऐसा लगा था जैसे साक्षात नटराज उतरकर आ गए हूँ कैलाश पर्वत से। तभी से लगन लग गई थी कि एक दिन हम भी मास्टर चिंतामणि प्रधान की तरह नाचेंगे। जब सुना किसी दुर्घटना में आपके हाथ पांव चले गए, तब मंदिर जाकर भगवान से यही मांगा था कि छीनना है तो हमारे हाथ पांव छीन ले, काट के टुकड़े हैं ये, मगर मास्टर जी पर अत्याचार मत कर। फूट फूट कर रोए थे उस दिन मास्टर जी, फूट फूट कर रोए थे हम। किस्मत से लड़कर कौन जीता है गोपी? अब तो इसी आशा में जी रहा हूं कि बच्चे मुझसे अच्छा सीखें, नाम रह जाए घराने का। ऐसा ही होगा मास्टर जी, आपकी हेमा तो साक्षात सरस्वती का रूप है। आहा, क्या शुद्ध भंगिमाएं हैं, क्या अभिनय है, आंखों में तो सागर लहराता है भावों का। और चंपा? अब आपसे क्या छिपाए मास्टर जी, चंपा एक तो बच्ची है, दूसरे उसमें लगन भी नहीं है सीखने की। उसमें लगन नहीं या तुमने लक्षण नहीं सिखाने के। मास्टरनी जी चुप रहो। मास्टरनी मत कहा करो मुझे, कल से तुम सिर्फ चंपा को सिखाओगे, हेमा को मुझे बड़े काम सिखाने हैं। सावित्री नहीं, सावित्री ऐसा मत करो, सीखने दो उसे। यही 2-4 पल होते हैं जब उसकी आंखों में खुशी की कोई झलक दिखाई पड़ती है। इसे मत छीनो उससे, इतना अन्याय मत करो। हाँ, मैं तो अन्याय कर रही हूँ सावित्री माँ जो छरी। जे तशिरोमणि जी हर गृहस्थी के 4 काम काज सीख लेगी तो डोली उठ जाएगी राम राम करके। हिंदी को जो कोई बहाने करने आएगा वो उसके गुण देखेगा, काम काज देखेगा, छम छमा छम नहीं, समझे? मामी मिल गया, मामी मिल गया, गोल्डन चांस यानी कि सुनहरी मौका मिल गया। ये देखो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जरूरत है फिल्म में हीरोइन बनने लायक लड़की की। अच्छा। नृत्य और हिंदी का ज्ञान जरूरी, और उम्र 17 और 18 के बीच। अरे वाह, चंपा 17 साल की कहाँ हुई है? आखा, समझो के ना समझो बाईगार्ड बीच में बोलोगी जरूर। क्या जानती हो फिल्मों के बारे में? अरे अम्मा, वहाँ 12 की लड़की को 20 की बना देते हैं और 60 की बुढ़िया को 16 की दिखा सकते हैं, समझी? हाँ, ब्रह्मा है ना वो लोग। अरे ब्रह्मा जी क्या है फिल्म वालों के आगे अम्मा। फिल्मों में काली लड़की गोरी दिखती है और मोटी पतली, और अम्मा जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हो ना वो मोतियों की लड़ी से चमकते हैं। भाई गॉड, वो जो लोटा है ना तुम्हारा पैसों वाला, वो वहाँ रखा हुआ है। मिल गया मेरा लोटा। अरे आजा बैठ, जल्दी से सुनो। जब चंपा फिल्मों में बड़ी हीरोइन बन जाएगी ना, तो बाय गॉड वो प्रोड्यूसरों से कह सकती है कि कहानी उसके बड़े भाई श्री माथु राजचंद्रा ही लिखेंगे। अरे बेटा, पहले उसे हीरोइन तो बनने दे। अरे वो बनेगी तभी तो मैं बनूंगा ना। बस मामी, आज ही चंपा का फोटो भेज देता हूँ। भाई गौर 3-4 दिन में जवाब आ जाएगा। लो, सुनते सुनते ये गुंगी आ गई, मेरी फटा भेज। क्या कर रही? जाकर अपने बाप से क्या? वेरी सॉरी मिस हेमा, आप हीरोइन नहीं बन सकती। क्या है, गाना तो आपके लिए कोई भी गा देगा और आप सिर्फ होंठ हिला देंगी, पर बाई गॉड हीरोइन बनने के लिए 1-2 डायलॉग तो बोलने ही पड़ते हैं। उसका क्या होगा? अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या है? अच्छा बाबा, अच्छा। अरे क्या है? ये क्या कहना चाहती है? मालूम नहीं। शांति बेटा, कुछ खा पी लो, काम तो होता ही रहेगा। मैं मंदिर जाके आता हूँ। अच्छा पिताजी। मेरे पिताजी। हाँ? तुम्हारे पिताजी? उनको खांसी है? अच्छा अच्छा, अभी दवा दो। पी लो। अब जी कैसा है चिंतामणि? अरे जीवन का क्या भरोसा, ये तो पानी का बुलबुला है, जाने कब चिटपुट हो जाए। अरे हाँ, पिछले तुमने मुझसे 7 रुपए लिए थे ना, तो कुल मिला के 312 रुपए 60 पैसा हो गए मेरे तुम पर। आराम करो, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अरे हाँ छोड़ो भी, 60 पैसे का क्या लेना देना। 312 रुपए याद रखना। आराम करो, आराम करो। सीताराम सीताराम। दवा लेने गई थी ना? नहीं बेटे, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बुआ जी ने कुछ काढ़ा बनाकर पिलाया था। हाँ बेटी, तेरी कसम। डॉक्टर बाबू क्या कह रहे थे? तुझे जांचने लगे, समझे कि तू बीमार है। जाने कहाँ मर गई छोड़े। सत्यानाश हुए तेरा, चूल्हे पे दाल चावल कोयला हो गए और तुम दोनों यहाँ मस्करी कर रहे हो। सावित्री, मस्करी तो तुम लोग कर रहे थे। सांस रुक रहा था मेरा, दम निकल रहा था, किसी को फिक्र ही नहीं। सब यही सोच रहे हैं कि बिना तेल का ये दिया जला क्यों जा रहा है, बुझता क्यों नहीं। यही एक बेजुबान है जो मुझे बचाए हुए है। बचाए हुए है? अरे इसने तो जीना हराम कर दिया है। भगवान कसम, घी के दिए जलाओ, अगर एक चुड़ैल को मौत आ जाए। सावित्री! अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। भाले, तोहे खबर क्या हो भोले भाले, तोहे खबर क्या हो भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, सौ बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी। राम जी की लीला है न्यारे न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए, तब तब ये आए, तब तब ये आए, तब तब ये आए। जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी। राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। क्या बिट्टू, 3 गुणा 3 कितने होते हैं? मास्टर जी ये मुझे मारता है। अरे रामू शरारत मत करना है। नहीं बेटे, 3 और 3 होते हैं 6, 3 गुणा 3 होते हैं 9। अच्छा आप बताओ 3 गुणा 4 कितने होते हैं? देखो बेट्टू, तुम बराबर याद नहीं करोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे, बिल्कुल बात नहीं करूंगा, समझे? अच्छा जाओ घर जाओ, हाँ जाओ। अच्छा बच्चे लोग, आज छुट्टी, घर जाओ। हाँ प्रणाम मास्टर जी। वो राम जी की रथ यात्रा थी ना, बहुत मजा आया मास्टर जी। साधो के सीधा उसी का प्रसाद लाया हूं आपके लिए। ये लीजिए मास्टर जी। तुम्हारा दिल रखने के लिए ले लेता हूँ राजू, लेकिन मेरा तो हर भक्ति पर से विश्वास उठ गया है। याद नहीं पड़ता किसी का कुछ बुरा चाहा हो। मैं तो ठीक, बेचारी हेमा ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो आवाज छीन ली भगवान ने उसकी। आप यूं क्यों नहीं सोचते मास्टर जी कि छोटी मास्टरनी सुनती कितना तेज है। आपसे और हमसे ज्यादा तेज सुन लेती है वो। दूर कहीं कोयल कूके ना वो सुन लेती है, फूल पत्तों से कुछ कहे वो भी सुन लेती है। मुझे तो विश्वास है मास्टर जी कि फूलों और चिड़ियों की जुबान भी समझ लेती है छोटी मास्टरनी। हाँ यही तो दुख है बेटे, काश उस बीमारी में वो गूंगी के साथ बहरी भी हो जाती तो दिन रात अपनी सौतेली माँ की नस्तर होकर चुभने वाली बातों से तो बच जाती। सोचा था बेजुबान को फिर से मान लेंगे, काश मैंने दूसरी शादी ना की होती। अच्छा याद आए मैं राजगांव में था ना मास्टर जी, वहां एक महात्मा जी मिले थे, बहुत पहुंचे हुए, थोड़ी सी मिट्टी रोगी पे लगाते थे, बस देखते देखते रोग दूर। पिछली गर्मियों में तो गया था वहां, नहीं गर्मियों में तो मैं शिवापुर गया था, नहीं अगस्त के महीने तो राजगौर गया था मास्टर जी। हाँ ठीक है, 2 महीने पहले वहां था, फिर मैं यहाँ आ गया। एक और चक्कर लगा लेंगे मास्टर जी, मास्टर जी से कह देंगे कि थोड़ी सी मिट्टी छूकर हमें दे दीजिए, अपन यहाँ लगा लेंगे। फिर देखना मास्टर जी, छोटी मास्टरनी बोलने लगेंगी और आप पहले की तरह नाचने भी लगेंगे। मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी, एक नया ढेर लग जाएगा इनामों और तस्वीरों का। इतना ख्याल मत किया कर मेरा राजू, घर पर अपनों से जो जिल्लत मिलती है ना, उसके बाद तुम्हारा प्यार सहा नहीं जाता। ऐसा मत कहिए मास्टर जी, आपसे मिलने के बाद ही तो मैंने जाना है कि पिता का प्यार क्या होता है। सच तो यह है कि मैं सिर्फ बातें ही करता रहता हूँ, चाहता तो बहुत हूँ लेकिन आप कुछ कर नहीं पाता मास्टर जी। मुझे ही करना पड़ता है। सावित्री, राजू आया है। बताने की जरूरत नहीं, देख रही हो खंबे की तरह खड़ा है। शनिवार का सूरज निकलना भूल सकता है लेकिन ये शनिचर यहाँ आना नहीं भूलता। दो बखत की रोटी एक ही बखत जो खा जाता है। छी 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 छी, गलत बात की मास्टरनी जी ने, बिल्कुल गलत। 2 वक्त का खाना कहाँ मैं खाता हूँ 1 वक्त में। नहीं नहीं, तुम्हारे घर में छोटी मास्टरनी, मैं तो 2 दिन का खाना 1 वक्त में खाता हूँ। क्यों खाना? अरे वाह, जय भोजन देवता। मास्टरनी जी को मास्टरनी कहो तो उनको बुरा लगता है, तुमको मैं छोटी मास्टरनी कहता हूँ, बुरा तो नहीं लगता ना? हाँ? नहीं नहीं, वो क्या कि एक साथ जल्दी खा गया ना, इसलिए वो। धीरे खाऊं? धीरे कैसे खाऊं? खाने में इतना स्वाद है रोका ही नहीं जाता। वैसे राजू है बड़ा बेशर्म, मास्टरनी जी की इतनी गालियां खाकर पेट नहीं भरता, ऊपर से खाना भी नहीं खाता। पर क्या करूं, मजबूरी है छोटी मास्टरनी। हफ्ते में 6 दिन 6 घरों में खाना खाता हूँ लेकिन इंतजार इसी 7 दिन का होता है। अब देखो ना, मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, चाहते हैं ना, लेकिन इधर खुद ही देवी के हाथों से प्रसाद मिलता है, इस भाग्यवान भक्त को भला कैसे रुक जाए। और फिर जो मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ यह है राजू कि तुम बोलते बहुत हो भाई। अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है बाबा जी। बहुत सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है, आखिर एक नतीजे पर पहुंचा कि हो ना हो मेरी माँ जरूर किसी स्कूल में पढ़ाती होगी। एक तो औरत जात जो वैसे ज्यादा बोलती है और उसके ऊपर स्कूल की टीचर हो गई छुट्टी। और जो मेरे पिताजी थे ना, मुझे यकीन है बाबा जी कि वो जरूर कोई महान संगीतकार होंगे, ढोलक बजाते होंगे, बगावज बजाते होंगे, मृदंग बजाते होंगे। तत्स्वरूप कि जब मैं पैदा हुआ तो बजाय रोने के मैं सारे गामा पादानी सा हाथ पैर से मारा था जैसे कि मैं डफली बजा रहा हूं, डफली। हाँ जितना मना करता हूँ उतनी ज्यादा बकवास करती हूँ। अब अगर लफ्ज भी बोला ना तो मंदिर से निकाल के बाहर कर दूंगा, बाहर, समझे? अरे अरे कहाँ जा रहे हो आप? मंदिर की बात करते हैं ना, मैं तो गाँव ही छोड़ देता हूँ। मुझ जैसे अनाथ का क्या है, 10 दिन इस गाँव में 10 दिन उस गाँव में, 1 महीने से ज्यादा एक जगह में कभी ठहरता नहीं था। और आपको भी मालूम ही है, लेकिन मुझे यह थोड़ी मालूम था कि आपका प्यार मुझ पर ऐसा जादू कर देगा कि मुझे आपके रूप में माँ बाप भगवान सभी मिलेंगे। लेकिन अब राम 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 राम। राजू जरा बैठ जा, मैंने कहा बैठ जा। देख आइंदा कभी ऐसी उल्टी सीधी बात की ना तो हाँ। मैंने जो दवा दी थी वो खाई थी, खाना खाया था कहाँ? मास्टर जी के यहाँ। तब तो खूब छक्के खाया होगा। खाना खाना याद रहता है, दवा खानी याद नहीं रहती। कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। बाबा क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? सुने सुने मेरी एक दो गतें सुने बगैर भला आपको नींद आ सकती है? सरस्वती देवी ने दासिता पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की क्या बात है बेटी? नींद नहीं आ रही? कोई बुरा सपना देखा है क्या? ये क्या हुआ? हाँ? हे राम कैसी सोने की गुड़िया जैसी बच्ची है, जाने किन पापों का फल मिल रहा है उसे। इसीलिए तो कह रहा हूँ पुजारी जी, लड़का गरीब हो, घर मामूली हो, सब चलेगा, इस नरक से तो मुक्ति पाएगी बेचारी। यहाँ भी जाएगी यहाँ से तो अच्छी रहेगी। जी छोटा मत करो चिंतामणि, अरे वो बैठा है ना सबकी खबर रखने वाला, अपनी हेमा के लिए भी जरूर कोई ना कोई संजोग तय किया होगा उसने। देखना एक दिन राजकुमार जैसा कोई लड़का आएगा अपनी हेमा को बहने। हाँ जरा सबर से काम लो, सबर की भी कोई हद होती है। अब नहीं सहा जाता, उसका दुख और नहीं देखा जाता मुझसे। अरे मामी जल्दी से मुंह मीठा कराओ फटाफट। अरे क्या हुआ सुरेश, बम्बई से कोई चिट्ठी आई है क्या? आपने चंपा हिरवन बनेगी। अरे बन गई समझो, ये पढ़ो अंग्रेजी में ना पढ़ता हूँ। लिखा है चंपा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, यानी कि चंपा का भविष्य उज्जवल है। और लिखा है जल्द से जल्द 10,000 रुपए लेकर पहुंच जाओ। 10,000 वो कहाँ के लिए? तैयारी वैयारी में खर्चा लगता ही है मामी, और फिर क्या हीरोइन यूं ही बन जाएगी? कल को लाखों कमाएगी भी तो। वो तो ठीक है, मगर इतना सारा रुपया आएगा कहाँ से? आ जाएगा मामी आ जाएगा, वो है ना अपने घर में हेमा। ओहो, ऐसे शुभ काम में उस गूंगी का नाम क्यों लिया? That is the point मामी, नुक्ता यही है कि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। ये देखो, समाज सुधारक मंडल की तरफ से विज्ञापन है, वो गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी लायक लड़कों से करवाते हैं और जो भी खर्चा हो वही देते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, हेमा का हाथ किसी के हाथ में दिया और 10,000 लिया, 10,000 दिया, चंपा हीरोइन बनी, सिंपल। अच्छा जी लड़की तो गुणों का भंडार है, बस यूँ समझिए कि दिन रात अपने पति की और आपकी सेवा करती रहेगी। जी नहीं, वो बेचारी क्या बोलेगी, वो तो गाय है। आइए आइए मामी, मेहमान आ गए। सुरेश बुड्ढे ने टोपी दिया। आइए आइए, ये सामने हमारा घर है, आ चलिए। कौन आया है घर में? आखिर आपने टोक ही दिया ना मामा जी, मैं तो सोच रहा था शगुन टीका होने के बाद बताता। शगुन टीका? किसी का रिश्ता हो रहा है क्या? कमाल की बात करते हैं आप, बाय गॉड घर में 2 ही तो मर्द हैं, एक मैं और एक आप। अगर मैं भी आपकी तरह हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं तो हो चुका। हेमा के लिए एक लड़का देखा है मैंने, और अब लड़के की माँ हेमा को देखने आई है। लड़की पसंद है मुझे, लड़का खुश हो जाएगा कि माँ सचमुच की लक्ष्मी लाई है। ये लीजिए 10,000 रुपए, अगर शादी के वक्त और जरूरत पड़े तो। अरे अच्छे वक्त पर तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। बहन ये मेरी प्यारी बेटी के पिताजी हैं। नमस्ते। क्या बताऊं बहन, जब से इनके हाथ पांव बेकार हो गए, दुनियादारी मुझे ही निभानी पड़ती है। इतना गया गुजरा फिर भी नहीं हूँ सावित्री कि मेरी बेटी की शादी के लिए भी मुझसे राय न ली जाए। अरे बड़ा अच्छा लड़का है चिंतामणि, बड़े दफ्तर में काम करता है। आप बहन जी कितनी तनख्वाह बताई? 1,000। अरे 1,400 रुपया महीना, समझ गए? शादी तनख्वाह से नहीं लड़के से की जाएगी। लो अरे लड़कों की भी शक्ल सूरत देखी जाती है, तुम जिन जी को देख लो ऐसे ही होगा। हाँ हमने सोच समझ के ही फैसला किया है। फैसला तुम्हें नहीं करना है समझी, फैसला उसे करना है जिसकी सारी जिंदगी का सवाल है। वो देखेगी लड़का कैसा है, वो पसंद करेगी। देखिए आप अब बुरा न मानिए, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेजुबान बेटी ये सोचे कि उसके माँ बाप ने बोझ समझकर उससे हाथ धो लिए। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मेरी भी जवान बेटियां हैं, उनका रिश्ता करूंगी तो मैं भी यही सोचूंगी। क्या करूं, प्रकाश की तरक्की का वक्त था इसलिए नहीं आ सका, अब आ जाएगा। ये रुपए रख लीजिए बहन जी। रुपए क्यों दे रही है? शगन के रुपए है, लौटाएंगे तो पाप लगेगा। सावित्री मामी ठीक कह रहे हैं मामा जी, तुम चुप रहो। गुस्सा चुप दीजिए भाई साहब, मैं जाते ही प्रकाश को भेज दूंगी। आपको लड़का ना पसंद आए तो पैसे वापस कर दीजिएगा। चलते हैं बहन जी। सुनिए हाँ? आप तो घर की बड़ी हैं। हाँ, हाँ। आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे जाने के बाद बहू की नजर जरूर उतार लीजिएगा। मेरी ही नजर लगी होगी। ये आपकी थैली। धन्यवाद भाई साहब, दिन में कुछ मत रखिएगा। सुरेश बाबू आप मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं चलोगे? हाँ क्यों नहीं। तुम काजल का टीका लगाई लो छोटी मास्टर जी, वरना आज मेरी ही नजर लगेगी तुम्हें। अच्छा वैसे लड़का कैसा है? पढ़ा लिखा तो होगा ही, वो जमीन जायदाद भी है कुछ के नहीं? हाँ ये सब तो मास्टर जी ने पूछ लिया होगा, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ। असल में छोटी मास्टर जी आज मैं बहुत खुश हूँ, इसी करता कि मैं आज टप उठाकर अभी गाना शुरू कर दूं। अभी नहीं गाऊंगा छोटी मास्टर जी, उस दिन गाऊंगा जब तुम शर्म से छुई मुई बनी बैठी होगी और तुम्हारा दूल्हा सबकी नजरें बचाकर तुम्हें देख रहा होगा। डोली के साथ गांव की सरहद तक नाश्ता गाता जाऊंगा छोटी मास्टरनी, जैसे कि रामजी की रथ यात्रा के साथ जाता हूं ना वैसे ही। हाँ छोटी मास्टरनी, तुम्हारी शादी मेरे लिए रथ यात्रा से कम थोड़ी है। अभी नहीं, अब जाने कब तुम्हारे हाथ का खाना नसीब हो, सोच के साथ ले जाता हूँ। जब कभी कुछ अच्छा खाने की तबीयत होगी एक आध टुकड़ा मुंह में रख लिया करूंगा और क्या। लो मैंने तो बताया नहीं कि मैं शहर जा रहा हूँ, यानी गांव छोड़ के नहीं। वो क्या है कि हमारी छोटी मास्तरनी की शादी है ना, तो उनके लिए तोहफा बनाना होगा, इसलिए शहर जा रहा हूँ। तुम सोच रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? अरे मेरे पास बहुत पैसे जमा है। वो क्या कि रोज इधर उधर खाना खाता रहता हूँ ना, तो मेरा खर्चा होता ही नहीं, तो मेरे पास बहुत पैसे जमा है। छोटी मास्तरनी एक बात और, जब तक मैं तुम्हारा तोहफा ना लाऊं तुम शादी की तारीख पक्की मत करना। हाँ मैं चलता हूं। हाँ क्या कहने, चांदी के घुंघरू देंगे। क्या रही थी चारे ये दिमाग पर, पता भी है कितने के आते हैं। जितने के भी आते हो बाबा जी, राजू को बस ढपली बजाने की देर है, जितनी भी कमी होगी वो लक्ष्मी माँ खुद आकर पूरी कर जाएंगी। अब मेरी बस का वक्त हो रहा है बाबा जी, मेरे पैसे जल्दी निकाल के दे दीजिए। ये तो 101 रुपए बाबा जी। 101 रुपया शुभ होता है, मगर मैंने तो 80 रुपए जमा किए थे। ओहो, मेरी भी तो बेटी है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है आखिर। बाबा जी आप तुम्हें देर नहीं हो रही जो बहस करें। बोलो सियावती रामचंद्र की। प्रणाम बाबा जी, चलता हूँ मैं। देखो वो खाना ठीक से और वक्त पे खाते रहना। जी। हाँ और सुनो, वो जो दवा दी है मैंने तुम्हें वो बराबर सुनते हो या नहीं? सुनो सुनो सुनो, सुनते ही हमें कहाँ करते हो। 3 खुराकें रोज लेनी है। जी। ये खांसी अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो सुनो सुनो, वो 2-3 दिन में। आप फिक्र क्यों करते हैं बाबा जी, आप अंदर जाइए, धूप बहुत कड़कती है। चलता हूं मैं। और सुन राजू सुन। हाँ जी कुछ नहीं। राजू संभल के जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी सेहत का ख्याल रखना। और सुन, वापस जल्दी लौट के आना। कौन है आप? नाम पता क्यों बताऊं? सिर्फ इतना काफी है कि आज रात के लिए तुम्हारा मेहमान। ये क्या बदतमीजी है, मैं भी बुलाती हूँ। उन्हें क्यों तकलीफ देती हो, तुम्हारे पति थे वो तो नोट गिन रहे होंगे। पूरा 2000 नहीं है रुपए। अगर तुम्हारे मियाँ को पता चल जाए कि तुम अपने मेहमान की खातिर हिस्सा कर रही हो तो तुम्हारी खाल उठेगा, भूसा भर देगा। और ये नरम काल भूसा भरने के लिए नहीं होती मेरी जान। चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। मैं जब खून पी जाऊंगी। क्या बात है, परेशान नजर आती हो? डॉक्टर को बुलवा कर अपने 2000 रुपए रात वाले मेहमान का इलाज करवा लो। मर मरा गया तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। क्या बकती हो, क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ? पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लिए, गले में मंगलसूत्र डाला और जिंदगी भर हिफाजत करने का वादा 2000 रुपए में बेच डाला। तू है तुम पर। मुझे सती सावित्री चाहिए होती तो क्या तू बची थी अनाथ आश्रम से उठा के लाने के लिए? और मुझे भी बिकना होता तो सड़क पे खड़े होकर बिक रही थी। जिस्म की कमाई खाने के लिए तुम जैसे पति की जरूरत नहीं थी मुझे। सीधे से ऊपर जाती है या नहीं? जाऊंगी नहीं, जाएगी साली, नहीं जाएगी। मेरा तो बाप भी जाएगा। अबे तू आदमी है क्या जानवर? भी जाए चल ऊपर। मैं कहता थोड़ा सा छोड़। तू कौन था बीच में आने वाला? दरवाजा खोल हराम। तू अंदर ही अच्छा लगता है कुत्ते। ओ माय गॉड तबीश, मैं अभी उस मकान पर छापा मारता हूँ। राम सिंह जी साहब, मैम साहब को हिफाजत से उनका घर तक भेज कर आओ। बहुत अच्छा साहब। मेरा कोई घर नहीं है सकते साहब। महिला आश्रम में पली हूँ लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, अपना इंतजाम खुद कर सकती हूँ। 60, 70, 80, 90 जमुना दास तुम आल को छोड़ो या तू जेब में 90 रुपया ले फिर है और भाव गए 250 की चीज का। अच्छा सिंह जी, आप किसे अलग रख सकते हैं? मैं हफ्ते भर में आपके पैसे ले आऊंगा। फिलहाल आप 90 रुपए रख लीजिए। अरे रहवन दे, सगला एक साथ ले ले मांगा, मगर हफ्ते के एक दिन बाद भी आवेगो तो चीज बेच देंगे, समझोगे? जय जय जय। क्या है? मेरे लिए कोई चिट्ठी आई पोस्ट मास्टर जी? कोई चिट्ठी उठी नहीं आई। मैंने बाबा जी को तो आपका बता दिया था, आज तो मेरी चिट्ठी जरूर आई होगी भाई। आए होंगे फिर। अरे राजू ढबली वाले, अंदर जाके क्या देखता है? बाहर जाके बोर्ड पे देखो। चलो चिट्ठियां बाहर होती है। चलो चलो। शांति शांति। मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा है। बेटा राजू, प्रणाम बाबा जी। तुम्हारे जाने के बाद अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बाबा जी। 4 दिन में इतनी ममता बांध दी है तुमने। मैं भी तो आपके प्यार में कितना बन गया हूं बाबा जी। वरना राजू महीने डेढ़ महीने से ज्यादा कभी किसी गांव में टिका है नहीं। आगे हाल ये है कि मास्टर जी ने भी लड़का देख लिया है। अच्छा, शादी इसी शुक्रवार की तय हो गई है। अरे वही तो बहुत मजे की बात है। आशा है कि तुम रोज दवाई खाते होगे। अरे मैं तो अरे तुम अरे आप कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आपके उन भाषा का क्या हुआ? वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकला। छोड़ो उसकी बात, तुम सुनाओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात है, अपनी छोटी मास्टरनी है ना, उनकी शादी हो रही है। छोटी मास्टरनी? आप तो छोटी मास्टरनी को जानते नहीं है। अपने गांव में मास्टर चिंतामणि प्रधान जी हैं। हाँ, साक्षात नटराज का रूप है। उन्हीं की बेटी है, उन्हीं की तरह नाचती है। हाँ? जी मैं आया कि शादी में चांदी की पायल भेंट करूँ। देखिए कितने पैसे मैंने इकट्ठे किए। देखिए हाँ। अब क्या है कि मेरे पास तो अक्ल है नहीं। मैं चाहता था कि आप वो दुकान पे मेरे साथ चलिए और देख लीजिए कैसी है चीज। नहीं जी, शादी का मामला है ना। अच्छा चलो। आइए भाई साहब, ये आपका 5 रुपए का नोट। अरे मेहरबानी भाई, आइए। बहुत सुंदर है। छोटी मास्टरनी के पाँव में देखिएगा और भी सुंदर लगेगी। अरे सेठ जी, अच्छी सी डिब्बे में रख के देना, शादी में देनी है ना। कहाँ रख दिए? मेरे पैसे थैले में तो रखे थे मैडम। हाँ, मेरे सामने तो रखे थे तुमने, किसी ने चुरा तो नहीं लिए? साला कुत्ता, राजू की दिन रात की कमाई ले गया वो, यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। राजू, मुझे मैं कमरे के राजू, होश करो राजू, इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगे उसे? क्या वो अब तक तुम्हारे इंतजार में वही खड़ा होगा? आप नहीं जानते कुछ समझे, दिन रात मेहनत की थी मैंने, भूखे अगर एक एक पैसा छोड़ा था मैंने इस पायल के लिए, लेकिन अब सेठ जी आप मुझे ये पायल दे दीजिए हैं? आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं 10-15 दिन के अंदर आपके पैसे चुका दूंगा मैं। अरे ढबलिया, तुम है ना उल्लू समझोगे, दरवाजों पीछे है, निकाल। मेरा यकीन कीजिए, राम जी की कसम खा के क्या बोल छोरी। पायल दीजिए। क्या बोली? दीजिए। इसकी क्या कीमत है? ये क्या कर रही हैं आप? मंगलसूत्र क्या बेचा जाता है? इसे मेरे गले में डालने वाला तो मुझे ही बेच रहा था, फिर इसकी क्या कीमत रह जाती है? मगर कुसुम जी है। आप कुछ न कहना, तुमने भाई की तरह आकर मेरी रक्षा की, तुम्हें मेरी कसम है, अगर इनकार किया तो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वाह स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदा सुरसर्षो वरिष्ठमेहि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। खट्टा भाई, शादी होगी क्या? नहीं, अभी नहीं, होने वाली है। वंदे विष्णु भवभयं सर्वलोकैकनाथं। नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी साली, नहीं जाएगी, तेरा तो बाप भी जाएगा। खबरदार, कमीने कुत्ते, तेरी ये मजाल, तू यहाँ भी आ पहुँचा। राजू, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने क्या बेहूद भी है? आप जानते नहीं मास्टरनी जी, ये 1 नंबर का बदमाश है, ये पुलिस के बच्चे भोग है। नहीं, ये झूठ बोलता है। मैं झूठ बोलता हूँ? ये झूठ है कि तू शादीशुदा है, ये झूठ है कि तू अपनी बीवी से पहली रात में धंधा कराता है। बोल, ये सब झूठ है। चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? पता नहीं क्या बक रहा है ये, कौन है आदमी? क्यों भूल गया? मैं वही हूँ जिसने कुसुम को तेरे पंजों से बचाया था, जब तू उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता था। हेमा, उठो वहां से, ये शादी नहीं होगी, उठो फौरन। हाँ छोटी माँ से, आप उठिए यहाँ से, चलिए उठिए। तुम चुप रहो, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना तो सोचिए, अगर ये शादी रुक गई तो इस लड़की का हाथ कौन पकड़ेगा? भले कुंवारी बैठी रहे मेरी बेटी, इस डर से क्या मैं बेच डालूंगा उसे? मगर किसकी बातों में आ रहे हैं यार, 2 टके के लड़के ने कुछ भी बात दिया और आसमान के। मैं तुम्हारी चाल को अच्छी तरह जानती हूँ, शादी में इसलिए बखेड़ा डाल रहे हो ना कि तुम्हारी खुद की नजर हेमा पर है। ऐसा मत कहिए मास्टर जी। ओ, तो ये मामला है। मैं तो रहम खा के आया था कि बेचारी गूंगी है तो क्या हुआ, मगर खानदानी है, पर यहाँ तो भिखारियों से चक्कर चला हुआ है। जबान खींच लूंगा अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ बुरी बात कही। रखिए अपनी सती सावित्री अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। प्रकाश बाबू ठहर जाइए, जाने दो उसे। आप गुस्सा मत कीजिए, क्यों नीच कमीने जिस थाली में खाता है उसे में छेद करता है। मास्टर जी आप खबरदार, जो मुझे मास्टर ने कहा। गंदी नाली का कीड़ा गंदगी फैलाने के लिए हमारा ही घर में राज बनेगा। सावित्री आप लोग देख क्या रहे हैं, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये कुत्ता हमारी बहु बेटियों पे नजर रखता है। धक्के मार बंदी कर रही हरामखोर। नहीं मास्टर जी, नहीं मुझे आप जो कुछ कह लीजिए, लेकिन मैं सच कहता हूं इस आदमी की करतूत मैंने अपनी आंखों से देखी है। मास्टर जी मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आदमी सही नहीं है, बदमाश है। मास्टर जी को किसी भी तरह से इसके हाथ देखने मत दीजिए। मास्टर जी मेरी बात मान लीजिए। मास्टर जी, मास्टर जी मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। दादा जी कुत्ता थूक दीजिए, लीजिए आइए। ये क्या हो रहा है, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दस्तूर है, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दस्तूर है। मैं तो हूँ मजबूर भगवन, मैं तो मजबूर भगवन, क्या तू भी मजबूर है, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दस्तूर है, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दस्तूर है। कहते हैं तूने हर अबला की लाज बचाई, आज हुआ क्या तुझको तेरे नाम की राम दुहाई। ऐसा जुल्म हुआ तो होगी तेरी भी रुसवाई, तेरी भी रुसवाई। आंखों में आंसू भरे हैं, दिल भी गम से चूर है, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दस्तूर है। मैं तो हूँ मजबूर भगवन, क्या तू भी मजबूर है, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दस्तूर है। कैसा अत्याचार है, शादियाँ व्यापार है, दौलत में सब जोर है, धर्म बड़ा कमजोर है, मास्टर जी, अब आप यूं ठीक हो जाएंगे। बड़े डॉक्टर साहब को लाया हूं मैं। असल में डॉक्टर साहब, इन्हें बीमारी हमारी कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि ज्यादा ही सोचते हैं। वो क्या है कि मास्टरनी जी और चंपा शहर चले गई ना, और फिर बुआ जी चले गई तीर्थ यात्रा पे। बस दिल पे चोट लगा ली कि इन्हें सब अकेला छोड़ गए। मास्टर जी, आप अकेले काहे के हैं? हम नहीं है क्या? ये छोटी मास्टरनी है, पुजारी जी है, मैं हूँ, सभी तो है आपके पास। तुम पैसों की फिक्र मत करो छोटी मास्टर जी, बहुत काबिल डॉक्टर हैं मास्टर जी, एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ, क्या बात है बच्चों? डॉक्टर साहब, हमारे मास्टर जी को जल्दी ठीक कर देना। डॉक्टर साहब, हमारे मास्टर जी को अच्छी अच्छी दवाई देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मगर ये सब क्या है? डॉक्टर साहब, हमने पैसे जमा किए हैं, और लगेंगे और दे देंगे। अच्छा बेटे, मास्टर जी आंखें खोलो, बिट्टू से बात करो। मैंने सीखा पढ़ा याद कर लिया है। 6 × 6 = 12, 6 × 6 = 18। मास्टर जी ओके करो। मास्टर जी, स्कूल क्यों नहीं आते? बोलते क्यों नहीं? आएंगे बिट्टू, आएंगे। स्कूल भी आएंगे तो तुमसे बोलेंगे भी। मुझे अफसोस है भाई, अभी इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मास्टर जी। जानते हैं डॉक्टर साहब क्या कह गए? अब आपको दवा की भी जरूरत नहीं, सिर्फ चिंता खाई जा रही है आपको। मैं कहता हूं आपको किस बात की चिंता है मास्टर जी? मास्टरनी के लिए आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। अरे एक से एक लड़के पड़े हैं, अच्छे घरानों के भी, पढ़े लिखे। हाँ मास्टर जी, बस आप ठीक हो जाइए मास्टर जी। मैं खुद छोटी मास्टरनी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ मास्टर जी, मैं उनकी शादी करवाऊंगा। सच कह रहा हूँ मास्टर जी, ये मेरा वादा आपसे मास्टर जी। हाँ मास्टर जी। लागी दिल पे ठेस हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए, परदेसी हो गए। दुनिया में जो भी आया है, एक ना एक दिन तो उसे जाना ही है मामी। अफसोस हमें भी कम नहीं है मामा जी के गुजर जाने का, पर इस तरह निराश होकर बैठ जाने से क्या होगा बोलो। ओहो चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ मामी, हमें प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाना है। मुझे इस तरह उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो बीमार थी, उन्हें मैंने बहुत दुख दिया है। मुझे क्या मालूम था कि वो इस तरह रूठ कर चले जाएंगे। मैंने बहुत बड़ा कसूर किया, बहुत बड़ा पाप किया। ओहो रोने से क्या होगा मामी, बाहर निकलोगी जी बहलेगा। मुझे तंग मत कर, मुझे अकेला छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर। गोपी जी कहाँ जा रहे हैं आप? अब हमारा भी जी यहाँ नहीं लगता सुरेश बाबू, हम वापस जा रहे हैं अपने घर। क्या कह रहे हैं गोपी जी, अगर आज चले गए तो सारा खेल खराब हो जाएगा, और आज तो बिना चंपा नृत्य क्या करेगी। खाक नहीं मगर हम गोपी जी उधर प्रोड्यूसर को क्या दिखाएंगे, क्या समझाएंगे, सब कुछ आदमी को तो संभालना है। आई आई हमको संभालना है सब कुछ। अच्छा तो फिर हम नहीं जाते गाँव, पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? गलती हो गई है। क्या नैन है भजंती माला, क्या बदन है मधुबाला, क्या फिगर है रीना रॉय, क्या चेहरा है रीना रॉय, नरगिस मेहता, सुरैया, लोटा मारवो, जीता करवो, सब एक ही में है रे। इंडस्ट्री में हंगामा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा रे। नाम बताओ गोपी ऐसा रे, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के लिए हजारों लाखों गोपियां पागल हो गई थी, उसी तरह तुम्हारे लिए भी हजारों लाखों किशन पागल हो जाएंगे, रस्ते में बोल खींचेंगे, कपड़े फाड़ेंगे। क्या नाम है, क्या नाम है? गोपी। अरे इनका नहीं, हमारा नाम है गोपी। मुझे कौन पूछा था? सुंदरी क्या नाम है तुम्हारा? मत बताना चंपा, मत बताना। पहले आप बताइए कि चंपा हीरोइन बनेगी कि नहीं? जरूर बनेगी। क्यों रे, तू क्या समझता हमको? पूछा है। तू क्या पूछा था? मैं तुषार बाबू घोष, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर ऑफ बाबू फिल्म इंटरनेशनल, इन सबको बनाने वाले। इसे भी बनाऊंगा मैं। क्या कहता है तुम्हें? नाचना, दौड़ना, तैरना, बोलना कुछ आता है? नाचना आता है। आता है? दिखाओ। हाँ दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, हाँ दिखाओ। ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, तक दिन दिन ना, चत गोपाल ना, राधा मुस्कान दास, मुरलीधर अदर लेन सावरों ने एकता, राधिका नृत्य की ने मार के कटाक्ष बाण, दिल 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 जात जात, तट 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 जमनाथ, कुंज कुंज भटक भटक, धड़क धड़क की गोला निके, धड़क धड़क की गोपी निके, निरके है नहीं निज, धन 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 भाग्य उनके, काज धन 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 भाग्य उनके, काज धन 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 भाग्य उनके। गोपी हाँ, अरे ये तो लेट गए। लेटने दो इनको, लेट कर देखने दो, हमारे शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है सुरेश बाबू। गोपी ये तो बेहोश हो गए हैं, हमारी कला का इतना प्रभाव। तुषार बाबू, 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 तुषार बाबू। और अब तबीयत कैसी है? अब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा अच्छा आगे दिखाऊं? ये नृत्य है, ये नृत्य आप फिल्म में देखेंगे तो पब्लिक भी हमारी तरह लेट जाएगा। अति भयंकर। भयंकर? आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को भयंकर कहते हैं? बोले क्यों नहीं बोलेंगे? अरे ये तो बताओ, ऐसी खूबसूरत लड़की को ऐसा भयंकर नृत्य क्यों सिखा, क्यों सिखा रहे हो? बोलो बोलो ना। सर आप जो कहेंगे हम वही सिखा देंगे, इतना बताइए चंपा हीरोइन तो बन जाएगी ना? अवश्य बनेगी। सर मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं, एकदम हिट कहानियां। अरे पहले इस लड़की को हीरोइन बनाने के लिए टाका तो निकालो। टाका? हाँ हाँ पैसा पैसा, जो चिट्ठी पे लिखा था। वो सुरेश बाबू क्या कर रहे हो? सर ये मैं आपके लिए 2000 रुपया लाया हूँ। शूटिंग कब शुरू होगी? बताएगा बताएगा, पहले तुम इस सुंदरी को दूसरा नृत्य सिखाओ, शेख ट्विस्ट वगैरह। सिखा देंगे, जरूर सिखा देंगे। राजू कहाँ गए थे बेटा? यूं ही जरा इधर उधर। क्या बात है, कोई मकान नहीं मिला? आपके शहर में मकानों की क्या कमी है दीनू काका? जहां देखो मकानी मकाने और क्या। फिर भी तुम्हें सर छुपाने को छत नहीं मिली है ना? मिल जाएगी दीनू काका, मिल जाएगी। छोटी मास्टर ने कहा होगी यहीं की। छोटी मास्टर जी यहाँ क्या कर रही हो? वो पेड़? हाँ पहले छोटे होते हैं फिर इतने बड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो पत्तियां हवा में मगन होकर झूम रही है ना? ये भी नहीं। कोयल? हाँ कोयल, कोयल कूक रही है ना? नहीं। क्या कह रही हो छोटी मास्टरनी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। धरती भगवान की है बेटी, घर तुमने बनाया है, मेरा इसमें क्या है? भगवान तुम्हें सुखी रखे। जाओ जाओ बेटी। हेमा, अरे कैसे हो? राजू क्या है क्या? क्या बात है? थोड़ी बात सुननी। मैं उठा दूंगी। अरे कुसुम जी यहाँ पर यार। हाँ, रविंद्र थिएटर के ऑफिस में मुझे नौकरी मिली है। तुम सुना, तुम लोग हैं कैसे? वो मास्टर जी के गुजर जाने के बाद छोटी मास्टरनी बिल्कुल अकेली हो गई थी गाँव में, सो हम लोग यहाँ चले आए। ठीक है ना? बहुत अच्छा किया। एक काम करो, ये रहा मेरा पता, कभी आ जाओ। हम लोग तो स्टेज पे प्रोग्राम करते ही रहते हैं। मैं मैनेजर साहब से बात करके रखूंगी कि तुम दोनों को भी नाचने गाने का मौका दें। मुझे यकीन है कि तुम दोनों का प्रोग्राम एक बार स्टेज पे हुआ नहीं कि हजारों रुपए कमाओगे तुम लोग। ना बाबा ना, अरे सड़कों पर नाच गा लेते हैं अपनी मस्ती में, वो और बात है, पर स्टेज पर गाना अपने बस की बात नहीं। और फिर रही छोटी मास्टरनी की बात, तो बुरा मत माना कुसुम जी, मंदिर की मूर्त का कोई मोल नहीं होता। दुनिया की तमाम दौलत भी मिलती हो तब भी मैं छोटी मास्टरनी की कला को कभी बिकने नहीं दूंगा। अरे बेच दो, अरे बेच दो कौड़ियों के दाम अपनी संस्कृति को। अरे अपनी कला को बेच दो, हो सके तो खुद नंगे खड़े हो जाओ बाजार में। अरे चंपा, ओ चंपा, ओ चंपा, अरे जल्दी लो बर्फ पकड़ो। अरे बर्फ पकड़ो, हाँ डालो। अरे पीछे डालो, पीछे डालो। अरे यही है शेपू, अरे यही है शेपू, अरे यही है शेपू। अरे आहा आहा आहा, अरे आहा, अरे है शेपू, अरे शेपू, अरे गर्मा गर्म चाय, अरे गर्मा गर्म चाय। अरे यही है तुस्तू, अरे यही है तुस्तू, अरे यही है तुस्तू, यही है तुस्तू, अरे यही है तुस्तू। अति सुंदर, जिंदगी भर ऐसा रिश्ता कभी नहीं देखा। क्या भंगिमा, क्या फोर्स। नाम क्या मिस्टर भरत मुनि? गोपी मास्टर सर। नहीं रे, मैंने इसका नाम नहीं पूछा था, मैंने पूछा था इस नृत्य का नाम। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कहता है इस नृत्य को? पिंडा गिराओ। क्या गिराओ? पिंडा। यानी जिस तरह बच्चा माँ के पेट में उछल कूद करता है, उसी को ध्यान में रखकर विदेशी लोगों ने इस नृत्य को बनाया है, पिंडा गिरगिड़ाऊ। हाय 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 रे, अरे इतना ज्ञान, ऐसा विद्या अभी तक क्यों छुपा कर रखा था रे? सुनो, हम तुमको डांस डायरेक्टर बनाएगा भारत मुनि। घोष बाबू, इनसे मिलिए, यह हमारी मामी जी, चंपा की माँ। नमस्कार माता जी, आपका लड़की बहुत बड़ा हीरोइन बनेगा, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। यही लेने के लिए तो इधर आया हूँ। आशीर्वाद दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे सुरेश, पहले फिल्म तो शुरू हो जाने दो, हम क्या ऐसे ही रुपए थमा देंगे आपको? हाँ गोभी जी, हाँ छोड़ी मेरा अकल तो है नहीं और हर मामले में टांग अड़ाते फिरते हैं। सुरेश बेवकूफ। हाँ सर जी फिल्म कब शुरू होगी? फिल्म बहुत जल्द शुरू करेगा। ये माघ महीना है, बहुत अशुभ है, पौष में शुरू करेगा, यानी कि मार्च महीने में। इतना टाइम तो लग ही जाएगा। कितना वक्त निकल गया दिनों काका, क्या कोई लड़का नहीं मिला छोटी मास्टरनी के लायक? ढूंढ रहा हूँ भाई, अभी उस दिन ही तो तुमने कहा था, इतनी भी क्या जल्दी? आप जल्दी की बात कर रहे हैं दिनों काका, मुझे तो लगता है कि बहुत देर हुई जा रही है। 24 घंटे में सूरज तो निकलता ही है, वक्त आने पर फूल भी खिलते हैं, मौसम के बदलते बाहर भी आती है, लेकिन छोटी मास्टरनी की बदनसीबी नहीं हटती। आपने तो उन्हें देखा है ना दिनू काका, देखा है ना, कितनी भोली है वो, कितनी नाजुक है वो, क्या दुखी दुख होने थे उनकी किस्मत में। बहुत बर्दाश्त कर लिया दिनू काका उन्होंने, बस अब तो बहुत ही हो चुका। जब तो मैं कहता हूं ना कि ऐसा लड़का होना चाहिए जो उन्हें पलकों की ओट में पुतली की तरह रख सके, जो संभाल सके, BA पढ़ा हो, जो उन्हें समझ भी सके। BA क्या, MA पढ़ा मिल सकता है, मगर काका ये MA BA से ज्यादा होता है। हाँ तो फिर तो आप MA ही ढूंढिए काका, और हाँ पैसों की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं राजू, अच्छे लड़के पैसे वैसे नहीं मांगते, फिर भी अच्छी तरह शादी करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। हाँ ये बात तो है। अच्छा काका, ये MA लड़के से शादी करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? 5-6 हजार तो आजकल यूं ही खर्च हो जाते हैं। बस फिर तो आप जल्दी से एक MA लड़का ढूंढ लीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। की घड़ियां पूरी हो गई। फिनिश। जानती हो घोष बाबू ने चंपा के साथ हीरो किसे लिया है? अमिताभ बच्चन। सच्ची क्या? हाँ, और अगले हफ्ते शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। आई गो मामी, घोष बाबू मेरा इंतजार करते होंगे। मैं भी चलूं? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, तुम अब बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हो। हम का यहाँ आना जाना बंद करो, समझी? गोपी जी भी गो। सुरेश, पहले दाया पाँव बाहर निकालना, शुभ होता है। कुएं में कूद रहे हैं और दाया बाया देख रहे हैं। कुछ कहा? कुछ नहीं, कहना सुनना तो हमने कब का बंद कर दिया है। हाँ, चलो भाई चलो। हाँ, चलो। दाएं हाथ से दरवाजा खोलो और पहले दाया पांव अंदर रखो। भगत आओ बालक आओ, तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है कि तुम ठगे जा चुके हो। महाराज यहाँ पर एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, फिल्म प्रोड्यूसर घोष बाबू। बालक दुनिया आनी जानी है, घोष जाता है तो घोष आता है, घोष जाता है तो घोष आता है। मगर उन्होंने तो कहा था नीचे नीचे नीचे। माफ कीजिएगा, उन्होंने तो हमसे रुपए भी ले लिए। लाख कमाने के लिए हजार गंवाने भी पड़ते हैं, संसार का यही नियम है। जय भगत। 1000 नहीं महाराज, 10,000 दे चुका हूँ, 10,000। अगर ये पैसा डूब गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। शांति बालक शांति, 10-10 की 10 नोट निकालो, अभी 10,000 वापस लाने की तरकीब बताता हूँ। यही नियम है, संसार का यही नियम है बालक। निकालो बालक। बालक 10 ना हो तो 5 भी चलेगा। महाराज बालक 5 चलेंगे ना? अच्छा हमारा ये नियम है महाराज कि 1 5 से काम न चले तो 1 5 और जमा दे। और नहीं चाहिए भैया कुछ भी नहीं। भला हो तुषार घोष, चटर्जी तू चटर्जी है कि बनर्जी है? तू भोले भाले शरीफ आदमियों को लूटता है। अरे कहाँ गया ये टोपीधारी? अरे गिरिटागार वो, अरे नरेंद्र, अरे रीना रॉय, अरे रीना रॉय। किधर बता किधर का पैसे? बता फिर किधर पैसे? बताओ। अरे तू बताता कि नहीं? तू बता तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बता 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 किधर? बता 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 तू बता बता बता। जिस घोड़े पे लगाया था गधा निकला रे, गधा निकला। तेरा गधे की सवारी निकालता हो जाए। अरे ये क्या कर रहा है? वो जो भी कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। हे, ये सब कचरा पट्टी निकाल कर फेंको बाहर। मैनेजर बाबू कुछ दिन और रुक जाइए, सुरेश आकर आपके सारे रुपए दे देगा। सुरेश वो नहीं आएगा, उसका एक कार्ड आया है पढ़ लो। सुरेश भैया की चिट्ठी? हाँ, तुम लोगों को लिखने में शर्म लगती थी तो मुझे लिखा है कि इन लोगों का भाड़ा मुआफ कर दो। अरे वाह कमाल है। अरे घोड़े से बोलता है घास से जारी करो। अरे और कुछ है? ये घुंगरू की जोड़ी है साहब, सड़क पे भीख मांगने के काम आएगी। मेरे छोकरी छोटी मास्टरनी। ये लो छोटी मास्टरनी, दफ बजाओ। हाँ, तुम तो बजा ही लेती हो। ओहो, खाना तो बनता ही रहेगा छोटी मास्टरनी। आज तुम ढप बजाओ और मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास नाच दिखाता हूँ, ठीक है? 1 2 3 तेरे कंठ तम तेरे कंठ तई तामती तामती ताम 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 तई ताम। बजाओ ना छोटी मास्टरनी, हम तुम्हारे लिए और नाचेंगे। बजाओ 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 ना। क्या करूँ, तो छोटी मास्टरनी में ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें क्या नाम बताया तुमने? राजू। हाँ, तुम्हें यहाँ जल्दी आना चाहिए था। मुझसे क्या होने लगा डॉक्टर बाबू, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये मजाक की बात नहीं है राजू, तुमने जरूर अपनी बर्दाश्त से ज्यादा मेहनत की है, नतीजा जानते हो, तुम्हें टीबी है। ठीक है बोलिए डॉक्टर बाबू, आपको यकीन है मुझे टीबी ही है डॉक्टर बाबू? हाँ भाई, अब तो तुम्हें बिल्कुल आराम की जरूरत है, बिस्तर पे पड़े रहना होगा, वक्त पे दवा और फल खाने होंगे जब तक तुम एकदम ठीक ना हो जाओ, समझे? ये लो दवाइयां खरीद लो और इलाज अभी शुरू कर दो, देर मत करना। डॉक्टर बाबू ने कहा है कि मुझे टीबी हो गया है, डांट के बाहर निकाल दिया मुझे, बोले हट्टे कट्टे हो घोड़े के माथे, क्यों मेरा वक्त बर्बाद करते हो? छोटी बात नहीं, तुम ऐसे ही फिक्र करती हो। चल चल। खांसी, अब खांसी के लिए कोई दवाई इंजेक्शन लेता है? बोले ठीक हो जाएगी 2 दिन में अपने आप। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ छोटी मास्टर नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं छोटी मास्टरनी को अब कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा? मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ मास्टर जी, मैं उनकी शादी करवाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ मास्टर जी, ये मेरा वादा आपसे मास्टर जी। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है राजू, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो छोटी मास्टरनी का क्या होगा? उनकी शादी कौन करवाएगा राजू, कौन करवाएगा? मैं अभी आता हूं। मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लेना छोटी मास्तरनी। प्रोग्रेस। ये प्रिस्क्रिप्शन तो राजू का है, उसे टीबी है और किसी भी तरह की थकान या तनाव उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जब तक राजू ठीक ना हो जाए, दवा के साथ साथ उसे पूरे आराम की भी जरूरत है। इसे जल्दी से इस्त्री करा दूं। हाँ अच्छा मैम साहब, दीदी। हाँ अरे हेमा, राजू, राजू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम नाचोगी? ठीक है, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। जो होता है, जो होता है, हो जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। मैं हूँ जिंदा ये क्या कम है, जब तक इन हाथों में दम है, डफली वाले को डफली बजाने दो, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। न चांदी न घोड़े न हाथी, न सोना न चांदी न घोड़े न हाथी, मेरे गीत मेरे साथी। मैं हूँ दूल्हा ये बाराती, मुझे गीतों की डोली, मुझे गीतों की डोली सजाने दो, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। छोटी मासनी, छोटी मासनी, छोटी मासनी, तुम खामा का नहा जाओ छोटी मासी। मैंने अपनी बीमारी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ऐसी फिक्र करोगी। वैसे कोई खास बात नहीं है। हाँ छोटी मास्टर, मैंने उस दिन अपनी झूठी कसम खाई थी, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था। छोटी मास्टर, मैंने तुमसे क्या कहा था राजू? किसी भी तरह की मेहनत, कोई भी तनाव तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कहा था ना? डांटिए, आप भी डांट लीजिए। छोटी मास्टर ने भी गुस्सा करके चले गई, आप भी कर लीजिए। सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? छोटी मास्टर की शादी कैसे होगी? उनकी शादी यानी तुम दोनों? छी 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 डॉक्टर बाबू, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कहाँ छोटी मास्टर और काम है। कितना बड़ा घराना है उनका, जानते हैं आप? मास्टर चिंतामणि प्रधान की बेटी है वो। हाँ, उनकी शादी तो किसी राजकुमार के साथ होगी। जरूर, बल्कि अब तक तो हो जानी चाहिए थी। तब की हो जाती डॉक्टर बाबू, लेकिन क्या कहूँ, लड़कों की अक्ल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। बस वो तो एक ही चीज जानते हैं कि छोटी मास्टरनी बोल नहीं सकती, और कुछ नहीं। उनका तो अंग अंग बोलता है राजू, शरीर का पोर पोर जैसे जुबान हो। कोई भाग्यवान होगा जो उनसे शादी करेगा, भला कौन इनकार करेगा? ये सब कहने की बातें हैं डॉक्टर बाबू। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप छोटी मास्टरनी से शादी कर लें तो आप कर लेंगे? राजी हो जाएंगे आप? नहीं होंगे। मैंने कहा ना, कहने और करने में बहुत फर्क है डॉक्टर बाबू। चलता हूँ राजू। राजू, अपनी छोटी मास्टरनी से भी तो पूछ लो, क्या वो मुझसे शादी करेंगी? आप मजाक तो नहीं करेंगे डॉक्टर बाबू? कुसुम जी सुना आपने? डॉक्टर बाबू मैं सच कहता हूँ, छोटी मास्टरनी बहुत ही अच्छी लड़की है। डॉक्टर बाबू आप सच कह रहे हैं ना? आप उनसे शादी करेंगे ना? डॉक्टर बाबू मैं डॉक्टर बाबू आप सच कह रहे हैं ना? आप उनसे शादी करेंगे ना? डॉक्टर बाबू मैं छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। हाय 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 तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। ये क्या कर रही हो छोटी मासी? ये क्या नादानी छोटी मासी ने? ऐसे भी कोई मजाक होता है क्या? ऐसा मत करो छोटी मास्टरनी, तुमसे सुंदर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं और सभी को तो तुम बोल लेती हो। लेकिन तुम्हें पता है ना मैंने मास्टर जी से क्या वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा। मैंने ढूंढ लिया छोटी मास्टरनी, कोई बीए एमए नहीं एमबीबीएस डॉक्टर है। हाँ छोटी मास्टरनी अपने डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे आदमी, बहुत बड़े आदमी है, नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब कुछ है उनके पास। मैं जानता हूं तुम्हें इन सब चीजों का लालच नहीं है छोटी मास्टरनी, फिर भी मैंने तुम्हारे लायक सिर्फ डॉक्टर बाबू है। आखिर मेरा आता पता क्या है, मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा घराना क्या है? इंसानियत तुम्हारा घराना है राजू, और कितने लोग सचमुच होते हैं इस घराने के आजकल। डॉक्टर बाबू आप तो ऐसा मत कहिए, छोटी मास्टरनी पर तो कुछ पागलपन सवार हो गया है। कुसुम जी आप इन्हें कुछ समझाइए ना। नहीं राजू, हेमा ने कोई गलत फैसला नहीं किया। कुसुम जी। हाँ राजू, जिस तरह सुर ताल के बिना संगीत पूरा नहीं होता, उसी तरह तुम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो तुम लोग। नहीं कुसुम जी ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ये। राजू मास्टर जी के सामने तुमने हेमा को खुश रखने की जिम्मेदारी ली थी ना, तुम्हारे अपनाने से अगर वो खुश हो सकती है तो तुम्हें एतराज क्यों है? कुसुम ठीक कहती है राजू। डॉक्टर साहब अब मैं आपको कैसे समझाऊं डॉक्टर साहब, आप ये भी जानते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर साहब। वो तो छोटी मास्टरनी को भी पता है राजू, इसमें घबराने की क्या बात है, तुम्हारा इलाज तो चल ही रहा है, बाकी जिम्मेदारी मेरी रही, तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं। डॉक्टर साहब। हाँ राजू, बड़ी लंबी उम्र होगी तुम्हारी। कहां आरामखोर राजू? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। राम राम राम। आप पूछते रहते थे ना, है क्या मेरे राजू की चिट्ठी? आ गई आ गई। किधर गई? ये लीजिए। सुनो भाई, वो प्रसाद तो लेते जाओ। प्रसाद? प्रसाद तो मैंने सुबह ही ले लिया था। तो पूज्य पुजारी जी, आपको राजू का पता नहीं मालूम? नहीं है ना चिट्ठी, चिट्ठी दे इधर। राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा। रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। जय हो पुजारी जी की जय हो, जय हो, जय हो। बोल बुढ़े, बताता है राजू का पता क्या नहीं? राजू का पता पूछ रहे हैं? अजी हमसे पूछिए, बेचारे पुजारी जी को क्यों धमका रहे हैं? हम उसी की तरफ जा रहे हैं। नहीं गोपी नहीं, ऐसा पाप मत करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे राजू को पता किसी को मत बताना। मैं पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे। आप हमारे पाँव क्यों पड़ रहे हैं? हम कोई भगवान थोड़ा ही है। देख लो, हमें बिना बात के पाप में घसीट रहे हैं। चलो चलो यहाँ से निकल चलो। नहीं गोपी नहीं, ऐसा ना मत करो गोपी। चलो चलो। आज तक सिर्फ तुम्हारी सेवा की है, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांग रहा हूँ, मेरे राजू को बचा लो प्रभु, मेरे राजू को बचा लो प्रभु, मेरे राजू को बचा लो। रोको, अरे हम कह रहे हैं गाड़ी रोको। अरे रोको, अरे अरे रोको रोको, अरे रोको। क्या हुआ? लगता है पिछले पहिए में पंक्चर हो गया है। पंक्चर कैसा बनाया? हमें क्या मालूम राजू कहाँ है? हम चलते हैं। अरे बंद कर कालू, देखिए हम बहुत नाजुक हैं, बिना बात के दो चार हड्डियाँ सरक जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। अरे अरे भोलेनाथ 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 के बच्चे, तू अपने बाप को बेवकूफ बना रहा है। नहीं बता दे कहाँ है राजू। हमें नहीं मालूम, और अगर हमें मालूम हो तो भी नहीं बताएंगे। तो भी नहीं बताएंगे? नहीं। तो ले चलो इसे। भोलेनाथ जी, किस्मत में ये दिन देखना। कहते हैं ना, जैसा कोई करता है वैसा भरता है, उसी का ये भर मुझे मिला है। जैसा मैंने तुम लोगों के साथ सलूक किया। ऐसा मत कहिए मासी जी, जो बीत गई सो बीत गई, भूल जाइए उसे। आप आइए मेरे साथ। कहाँ बेटा? अपनी बड़ी बेटी के पास। बेटी? आइए आपकी बेटी। चलो चलो। चलिए। बच्चे, मैंने तेरे साथ क्या भला किया जिसका बदला ये दिया। तो तुम राजू का पता नहीं बताओगे? हा? उस हरामी की औलाद को तो मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगा। प्रकाश राजू की तलाश में यहाँ आया है, हमें फौरन पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आपका शक एकदम सही निकला। अभी अभी हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ बदमाश राजू नाम के आदमी को जबरदस्ती उठाकर ले गए। है कि वो गूंगी तुम्हारी धर्मपत्नी बनने वाली है, मैं उसे भी यहां लाऊंगा और उसके बाद मैं तुम दोनों को एक खूबसूरत सा तमाशा दिखाऊंगा। जीजा जी के साथ दीदी का भी कुछ पता नहीं। हेलो, यस सर, है कुछ पता चला? हेमा, 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 प्रकाश राजू को पकड़ के ले गया है। बदमाश यहाँ भी आ सकता है। तू शो के लिए यहाँ मत रह, चल फौरन मेरे साथ चल। तुम सारे फसाद के जट हो है ना? हाँ मैं हूँ। तो फिर तुम औरों को क्यों सताते हो? बताओ राजू कहाँ है? आरामजादे, गदप की आवाज। इंस्पेक्टर साहब ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा दीजिए। घबराइए मत, जल्दी सीढ़ी लगाओ जल्दी। बल्कि ठीक तो हो ना राजू? राजू बेटा इतना ही बहुत है कि तू बच गया। जानता है किसने बचाया तुझे? किसने बुलाया हम लोगों को यहाँ? हमारी हेमा ने। Captain Beanie!